दिखाने का प्रयास करेंगे। इसमें भ्रष्ट अधिकारी जो है संतोष कुमार दिख रहा है जो घूस लेते हुए पकड़े गए हैं बताया जा रहा है, और इसमें इसमें डीएसएलआर साहब है जिनको निगरानी के द्वारा पकड़ के गिरफ्तारी हुई। सर सर किस मामले में गिरफ्तारी हुई है? कुछ पता नहीं सर। तो किस मामले में गिरफ्तारी हुई है सर? पता नहीं। तो क्यों गिरफ्तारी हुआ, क्यों जा रहे हैं आप, क्या मामला है, क्यों क्या कुछ लेकर ले जा रहा है? ये कौन लोग है जो आपको ले जा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो आपको ले जा रहे हैं? क्या आपको साजिशन दिया जा रहा है? कह रहे हैं मिले हमको फंसा दिया। आपको फंसाया गया है? पैसा ले रहे थे ना? पैसा हम नहीं ले रहे थे, जबरदस्ती डाला गया था। कितनी जिस शिकायत मतलब घुस ले रहे थे ना आप, घुस ले रहे थे ना आप। देखिए बिहार के सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां निगरानी के द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ लिया गया है, और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें किस प्रकार महाराजगंज के अनुमंडल कार्यालय से दोनों अधिकारी को यहां पर निगरानी की टीम द्वारा ले जाया जा रहा है। देखिए बड़ी खबर जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे यहां पर निगरानी की टीम जो थी पटना से आई थी और लगभग 6 से 7 घंटा लगातार पूछताछ हुआ, उसमें से डीसीलर और जो उनके क्लर्क है संतोष कुमार उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। लेकिन अभी कोई निगरानी के अधिकारी जो है कुछ बताने से इनकार कर रहा है। लेकिन बड़ी खबर जो है बिहार के सिवान से आ रही है जहां सिवान के महाराजगंज के भ्रष्ट अधिकारी जिन पर कई तरह का आरोप लग रहे थे जिसको निगरानी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम आगे की तरफ बढ़ेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे, अधिकारियों से लगातार बात करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन देखिए अधिकारी अभी कुछ बोलने से इनकार कर रहे हैं और लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। तमाम निगरानी के टीम के लोग जो है देखे जा रहे हैं और इस गाड़ी में दिखाने का प्रयास करेंगे, इस गाड़ी में क्लर्क साहब है तो उस गाड़ी में डीसीएलआर साहब है। आपको क्या बताया गया, क्या बताया गया है, किस लिए ले जाया जा रहा है? केस नंबर 191 में कुछ आपने गड़बड़ी किया है। केस नंबर 191 अगस्त में ये ऑर्डर हो चुका है, 22 जुलाई चलिए ऑर्डर पे रखे थे, अगस्त में ऑर्डर हो चुका है ऑलरेडी। चलिए खोलिए। देखिए हम लोगों को सूचना मिला है कि निगरानी की टीम आकर के इस महाराजगंज के डीसीएलआर को और यहाँ का जो क्लर्क था संतोष कुमार उसको अपने हिरासत में ले ली है जी। और ये बहुत अच्छा हुआ है, सुशासन की सरकार है जी, कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है जी। और भी ऐसे कई अधिकारी हैं जिन पर से जिसको निगरानी के द्वारा जांच किया जाना चाहिए और उसको गिरफ्तार कर जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों को सलाखे के पीछे होना चाहिए। देखिए मेरे साथ जो जिनके द्वारा आवेदन करता थे उनके रिलेटिव हैं, इनके द्वारा पूरी घटना जानने का प्रयास करेंगे। क्या मामला था कि आज डीसीएलआर साहब और उनके क्लर्क संतोष कुमार को निगरानी के द्वारा दबोच लिया गया, क्या जानकारी मिला था आप लोगों को? जो संतोष कुमार जो थे जी वो 1.5 लाख रुपया मांग रहे थे जी, और उसका कि आप दे दो पैसा जी, मैं म्यूटेशन उसका नहीं होने दूंगा जी। जिसके चलते हम लोग ने पैसा दिया उनको जी। कितना पैसा दिए थे? 30,000 रुपया दिया जी संतोष कुमार चौधरी को जी, जो कि डीसीआर से मिली भगत थी या डीसीआर साहब आदेश किए थे जी कि भाई तुम पैसा 1.5 लाख रुपया लाओ जी, तो मैं इसको खारिज कर दूंगा जी। उसके बाद फिर हम लोग आकर यहाँ पैसा उनको 30,000 रुपया दिए संतोष सिंह को, संतोष कुमार को। कब? आज दिए हैं? आज दिए हैं 7:27 में। अच्छा मामला क्या था, किस मामले को लेकर आप लोग घुस दिए हुए हैं यहाँ? वो जमीन 1947 में जी। हम लोग के मेरे नाना जी के नाम से रजिस्ट्री हुई है जी। उसके बाद एक फर्जी AK साहब डॉक्टर है जो बसंतपुर में फर्जी तरह से क्लिनिक चलाता है जी। वो उनके वंशज से लिखाकर 2022 में म्यूटेशन कराने के लिए सीओ साहब के पास गया था जी। सीओ साहब उसको खारिज कर दिए जी। उसके बाद फिर डीसीआर BLD में गया, डीसीआर साहब के यहाँ डीसीआर साहब पैसा लेकर उसका दाखिल खारिज करने का आदेश सीओ साहब कर दिए। उसके बाद हम लोग से 1.5 लाख रुपया मांगा जा रहा था कि आप लोग 1.5 लाख रुपया दे दो और इसको मैं स्वतः रोक दूंगा। अच्छा यह मामला जो है वो किस थाने का है? बसंतपुर थाने के। कौन से गांव का? सुजपुरा गांव का। अच्छा आवेदन करता कौन थे, निगरानी को आवेदन कौन दिए थे? सुबोध कुमार सिंह। पिताजी का नाम? स्वर्गीय रविंद्र नाथ सिंह। सुरपुरा के रहने वाले हैं? सुरपुरा के रहने वाले हैं। निगरानी के द्वारा किनको किनको ले जाया गया, क्या सोचते हैं आप लोग, क्या देखे हैं? संतोष कुमार जी और DCR साहब दोनों को निगरानी के द्वारा ले जाया गया। थैंक यू। देखिए मेरे साथ जो आवेदन करता है उनके रिलेटिव थे, इनके द्वारा पूरी घटना बताने का प्रयास किया गया और दिखाने का प्रयास करेंगे। लगभग 7 बजे से छापमारी शुरू हुआ था और पूछताछ शुरू हुआ था और करीब 3 बज चुका है और अभी मौजूद है महाराजगंज के अनुमंडल कार्यालय मौजूद है जहाँ पे 5 से 6 घंटा इसी अनुमंडल कार्यालय में DCR साहब का ऑफिस है, उसमें लगातार कई घंटों तक निगरानी के द्वारा पूछताछ किया गया।